क्या हार के बाद जीत नहीं होती? क्या अनुभव शारीरिक शक्ति से कमजोर होती है? डेफिनेटली नॉट। और इसे साबित किया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। वो कैसे? तो इस बार 2021 आईपीएल जीतकर। यह वो टीम है जो 2018 में कमबैक की, पूरे दो साल आईपीएल से बाहर होकर, और 2018 में ही इन्होंने आईपीएल ट्रॉफी जीता, 2019 में फाइनलिस्ट रहे, और 2020 में जो टीम सबसे पहले आईपीएल से बाहर हुई वही टीम इतनी मजबूत होकर आई। मतलब एक हार के बाद इतनी इन्हें शक्ति मिल गई कि 2021 आईपीएल ट्रॉफी आराम से जीत गई। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अरुणेखा स्टडी। आज हम आईपीएल 2021 के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे इसके बारे में और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में हो सकते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल का टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आईपीएल 2021 में फाइनलिस्ट थे चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स, लेकिन चैंपियन तो कोई एक ही होगा और वो चैंपियन था चेन्नई सुपर किंग्स। और इस टीम ने इस बार जीतकर पूरे आईपीएल इतिहास में चार बार ट्रॉफी जीत लिया, और वो चार बार में था 2010, 2011, 2018 और 2021। वहीं इस बार की इनकी विनिंग प्राइस थी 20 करोड़ रुपीस प्लस आईपीएल ट्रॉफी। वहीं रनर अप की बात करें तो उन्हें मिला 12.5 करोड़ रुपए। आईपीएल 2021 की बात करें तो पर्पल कैप होल्डर थे हर्षल पटेल, जो कि आरसीबी से हैं। वहीं ऑरेंज कैप होल्डर थे ऋतुराज गायकवाड़, जो कि सीएसके से थे। वहीं फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच हुए फाफ डुप्लेसी, जो कि सीएसके टीम से हैं। सीएसके का मतलब हुआ चेन्नई सुपर किंग्स। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द यंगेस्ट प्लेयर टू विन ऑरेंज कैप इन आईपीएल हिस्ट्री। आईपीएल इतिहास में ऑरेंज कप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो वो है ऋतुराज गायकवाड़, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ आईपीएल इज प्लेड इन 2021। आईपीएल का कौन सा संस्करण 2021 में खेला गया है? तो इसका जवाब है 14th, यानी 14वीं संस्करण 2021 में खेला गया है। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2021 में 14वीं संस्करण इसकी हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, हु इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल 2021। आईपीएल 2021 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? तो वो है क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस इस बार आईपीएल में सबसे महंगे बिके थे ऑक्शन में, और ये राजस्थान रॉयल्स टीम से खेले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीम्स हैव पार्टिसिपेटेड इन आईपीएल 2021। आईपीएल 2021 में कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो वो थे 8, और 8 टीम आपके सामने हैं। अभी आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें दो टीम और ऐड हो रहा है, एक लखनऊ और एक अहमदाबाद। तो अगले बार के आईपीएल से टोटल 10 टीमें आपको दिखेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, विच टीम हैज ओन मोस्ट नंबर ऑफ आईपीएल ट्रॉफीज। किस टीम ने सबसे ज्यादा आईपीएल ट्रॉफी जीती है? तो सबसे ज्यादा जीतने वाले हैं मुंबई इंडियंस। इन्होंने 5 बार अभी तक आईपीएल ट्रॉफी जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेडियम वॉज द फाइनल मैच ऑफ आईपीएल 2021 प्लेड।
2021 आईपीएल का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो इसका जवाब है, पहले मैं बता दूं कि अगर कोविड ना आया होता तो ये आईपीएल इंडिया में होता, क्योंकि ये इंडिया में ही स्टार्ट हुआ था और इंडिया में ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम फाइनल किया गया था फाइनल मैच के लिए। लेकिन कोविड के कारण ये पूरा सीरीज टूर्नामेंट बाद में यूएई में शिफ्ट हो गया और यूएई में खेला गया, और वहाँ पे जो फाइनल मैच हुआ वो स्टेडियम था दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द कैप्टन ऑफ केकेआर टीम इन आईपीएल 2021? केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन कौन थे आईपीएल 2021 में? तो शुरू में दिनेश कार्तिक कैप्टन थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी कप्तानी छोड़ के इयॉन मॉर्गन को दे दिया था और इयॉन मॉर्गन ही उसे कप्तानी किए और फाइनल तक ले गए, फाइनलिस्ट टीम को बनाए, लेकिन अफसोस कि टीम जीत नहीं पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड द विनिंग टीम गेट इन आईपीएल 2021? आईपीएल 2021 में जीतने वाली टीम को कितने पैसे मिले थे? तो अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जीतने वाले टीम को 20 करोड़ रुपए और साथ में आईपीएल ट्रॉफी मिला था, साथ ही जो फाइनलिस्ट टीम हारी थी उसे 12.5 करोड़ रुपए मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, हु वाज द ऑफ स्टॉक्स मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन इन आईपीएल 2021? आईपीएल 2021 में अप स्टॉक्स मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन कौन था? वो था हर्षल पटेल। हर्षल पटेल आरसीबी के बॉलर हैं और इन्होंने ही पर्पल कैप जीता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, विच टीम हैज ओन फेयर प्ले अवार्ड इन आईपीएल 2021? आईपीएल 2021 में किस टीम ने फेयर प्ले अवार्ड जीता है? तो वो टीम है राजस्थान रॉयल्स और राजस्थान रॉयल के कैप्टन थे संजू सैमसन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पॉन्सर कंपनी ऑफ आईपीएल 2021? आईपीएल 2021 की प्रायोजक कंपनी का नाम क्या है? तो बहुत सारी कंपनी थी, लेकिन जो इसमें मुख्य कंपनी थी वो थी वीवो, और साथ में जो सहायक कंपनी कुछ थी जो को स्पॉन्सर थी वो थी अनअकैडमी जैसे कुछ और कंपनियां। ठीक है, तो ये था कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। लेकिन आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही लाइक और शेयर भी कीजिएगा।